अब इसमें हमारा मटन, ये देखिए जी, अभी बात कर रहा है फ्रेश के, वही डाल रहे हैं अभी फ्रेश मटन डालकर हम इसे भूनेंगे। इसको करीब सर 45 से 1 घंटा भूनते हैं हम इस ब्राउन ऑनियन के साथ, तब जाकर ये 70% पकता है। का भी या ABS का भी दोनों का कमरे सिमिलर लगता है, लेकिन यहाँ का टेस्ट काफ़ी थोड़ा अलग सा है। सेम मेन्यू भी सेम है, लगभग सारी चीज़ें हैं यहाँ भी जो भी वहाँ पे है, लेकिन खाने का टेस्ट सही में डिफरेंट है। एम्बियंस का तो क्या ही कहना है, एम्बियंस का तो क्या ही कहना है, सामने व्यू का अपना क्या ही कहना है। आज हम लोग जिस जगह पर आए हैं, इस जगह का इतना ज़्यादा रिकमेंडेशन, इतना ज़्यादा कमेंट आया था कि आप जाइए और इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए। मतलब आज से पहले कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट के लिए इतना रिकमेंडेशन नहीं आया था जितना रिकमेंडेशन द ग्रेट कबाब फैक्ट्री के लिए आया था। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और फिलहाल हम लोग हैं बेली रोड में और आए हैं एक्सप्लोर करने द ग्रेट कबाब फैक्ट्री को। लोकेशन की बात करें तो बेली रोड में पिलर नंबर 30 है। पिलर नंबर 30 के बिल्कुल सामने ये बिल्डिंग है जिसका नाम है BS कॉम्प्लेक्स, उसी में है 6th फ्लोर पर ग्रेट कबाब फैक्ट्री। तो जैसे ही आप अंदर इंटर करते हैं, जो एम्बियंस है वो इतना ज़्यादा सूदिंग सा है कि देख के दिल खुश हो जाएगा आपको। दो डिफरेंट कॉम्पार्टमेंट्स में बटा हुआ है, एक तो ये वाला कॉम्पार्टमेंट है जहाँ पर कि मेन कोर्स है, बाकी जो स्टार्टर वगैरह है वो आपके टेबल पर सर्व किया जाता है। और रेट्स वगैरह वो वेरिएबल है, वीकडेज में अलग होगा, लंच के टाइम अलग होगा, डिनर के टाइम पर अलग होगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वो डाल देंगे, आप लोग बात कर सकते हैं जिस दिन भी आ रहे हैं उस दिन का क्या रेट। और इस जगह का हम लोग एक नहीं दो डिफरेंट व्लॉग बनाने वाले हैं। और ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, कोई भी आपका प्राइवेट फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो आप इस एरिया को बुक कर सकते हैं मिनिमम 10 लोग और मैक्सिमम 30 लोग के लिए। सारा जो है रेट्स वगैरह इस जगह का आप इंक्वायरी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। वैसे जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 699, मतलब पर पर्सन जो है 699 स्टार्टिंग प्राइस है। और वीकडेज वीकेंड्स में वो चेंज होते रहता है, लंच में कुछ और होगा, डिनर में कुछ और होगा। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप जिस दिन भी जिस वक्त भी वेज खाने आ रहे हैं या नॉन वेज खाने आ रहे हैं, जो भी रेट है डिस्क्रिप्शन वाले नंबर पे आप इंक्वायरी कर लीजिए। और ये जो प्राइवेट स्पेस है इसका रेट कुछ अलग होता है, तो इसका भी रेट जो होगा डिस्क्रिप्शन वाले नंबर से आप बात करके इंक्वायरी कर सकते हैं। प्लस इनका एक अपना ऐप भी है जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, प्ले स्टोर से आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप उस ऐप के थ्रू बुक करते हैं तो कुछ और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो आपके लिए बेटर है कि उस ऐप के थ्रू ही बुकिंग कीजिए। अब हम लोग चलते हैं बाहर की ओर और कुछ मेकिंग वगैरह दिखाते हैं और आपको बताएं कि दो वीडियो जो है वो इस जगह का आने वाला है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वेज पे फोकस करेंगे और जो मटन का मेकिंग है उस पे फोकस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा एक्सट्रीम लेवल का नॉन वेज, सिर्फ नॉन वेज और नॉन वेज होगा उस वीडियो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं किचन में और यहाँ जो है बनने वाला है मटन। और सरसों तेल में ही बनाते हैं आप लोग? जी सर, बेसिकली हमारा क्या है कि हम पीतल के ही करते हैं, पीतल के पतीला में बनाते हैं। अच्छा। मटन अपना जो भी यहाँ पर प्रिपरेशन होती है पीतल के पतीला में ही होती है। बेसिकली ये हमारा इंडियन रेस्टोरेंट है तो उसको देखते हुए हम ना पीतल के पतीला में ही सारा फूड बनाते हैं। हर एक डिश आपका पीतल के पतीले में ही बनता है? पतीला में ही बनता है सर। इधर जो है ये गरम मसाला वगैरह निकाल लिया गया है, तेज पत्ता हो गया, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तो तेल जो है वो गर्म हो चुका है। हो चुका है, अब हमारा ये साबुत गरम मसाले का तड़का लगता है इसमें। अच्छा। और उसके बाद हम प्याज इसमें ऐड करेंगे, प्याज को ऐड करके गोल्डन ब्राउन करेंगे इसको। उसके बाद फिर हम इसमें मीट ऐड करते हैं सर, मीट को हम भूनते हैं, जो मटन होता है हमारा बिल्कुल फ्रेश आता है उसे डालकर हम भूनते रहते हैं। जैसे वो हाफ डन हो जाएगा फिर हम मसाला इसमें ऐड करते हैं जो अपना मसाला यूज होता है। उसके बाद प्रोसेस भुनना गोश्त का हमारा प्रोसेस ये चलते रहता है, जब तक वो गल नहीं जाए तब तक हम भूनते रहते हैं उसे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि मतलब आप लोग है कि बल्क में एकदम देसी स्टाइल में बनाते हैं, वो नहीं कि मसाला अलग मटन अलग मिक्स किए दे दिए। नहीं 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 बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल जो प्रोसेस है मेरा भुना गोश्त का ना, जो स्टैंडर्ड है हमारा बनाने का, वही स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम बनाते हैं। एक बार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनता, 5 किलो का आपका बैच बनता है? हमारा बैच बनता है सर, क्योंकि बिल्कुल देखो हम फ्रेश खाना खिलाना चाहते हैं। जो हमारा मटन भी आता है डेली का सप्लाई आता है, जिसमें हम बिल्कुल फ्रेश आएगा सप्लायर से और हम उसे बनाते हैं। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी क्योंकि कहीं भी हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मटन बॉयल करके रखा गया है, मसाला अलग है, ऑर्डर आया तो मिक्सिंग किया गया और दिया गया, बट यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से घर में बनता है या जिस तरीके से ढाबा में बनता है उस स्टाइल का बना रहे हैं। जी सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, उस स्टाइल में। जो यहाँ बेसिकली हम बिहार में हैं तो बिहार को मद्देनजर रखते हुए ना जो लोगों को पसंद आता है होम स्टाइल वाला ही पसंद आता है सर। तो लगभग आधे घंटे का समय जो है वो बीत चुका है और प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो गया है ना? जी सर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर में प्याज हो गया। अब इसमें हम मटन ऐड करेंगे जो बिल्कुल फ्रेश होगा। जा रहा है नेक्स्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट जा रहा है सर, गोल्डन ब्राउन प्याज को भुनने के बाद इसमें जिंजर गार्लिक
पेश जा रहा है। सबसे पहले थोड़ा देर के लिए भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद फिर इसमें मटन ऐड हो जाएगा। मटन भी आप बता रहे थे कि बिल्कुल फ्रेश रहता है। बिल्कुल फ्रेश रहेगा, फ्रोजन या फ्रीजर में कुछ नहीं? नहीं, इसे डेली का हमारा है, डेली का ऑर्डर होता है, एज पर द रिक्वायरमेंट हम डेली ऑर्डर करते हैं रात में, और सुबह को वो हमें डिलीवर होता है करीब 11 बजे के आसपास, और उस चीज़ को हम फ्रेश बनाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर थे भी तो देखे कि जस्ट आपका जो वेंडर है वो मटन लेकर आए हैं, और इधर देख सकते हैं कि ये मटन को वॉश करके रखा गया है। अभी बिल्कुल हमारे सामने जो वेंडर है वो मटन को लेकर आए हैं। इसमें हमारा मटन ये देखिए, ये अभी बात कर रहा है फ्रेश के, वही डाल रहे हैं, अभी फ्रेश मटन डालकर हम इसे भूनेंगे। इसको करीब सर 45 से 1 घंटा भूनते हैं हम इस ब्राउन ऑनियन के साथ, तब जाकर ये 70% पकता है। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करते हैं, और कुछ सीक्रेट स्पाइसेस भी हैं हमारे जो वो भी ऐड करते हैं। बाकी के घरों में तो यूज होते हैं, लाइक धनिया पाउडर हो गया, जीरा पाउडर हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, हल्दी हो गया, मिर्च हो गया। उसके अलावा एक हमारा सीक्रेट स्पाइसेस होता है जो और एरोमा को इनहेंस कर देता है, इनहेंस कर देता है। इधर जो है आलू बॉयल हो चुका है, और अभी नेक्स्ट जो है क्या करना है शेफ? आलू को छील के फ्राई करना है? फ्राई करना है, आलू को पील करके फ्राई करना है। तो आलू को बॉयल करके निकाल लिया गया है, नेक्स्ट इसे छीला जा रहा है, और अब जो है इसे करना है मैरिनेट, वो प्रोसेस भी आप लोगों को दिखाएंगे। आलू को कट कर लिया गया है, और इधर जो है नेक्स्ट कढ़ाई चढ़ गया है, रिफाइंड ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है। तो अभी इसको क्या करना है, आलू को फ्राई करना है। आलू को सबसे पहले फ्राई करते हैं, फ्राई करने के बाद निकाल कर उसे फिर हम मैरिनेशन करते हैं। आज का जो हमारा आलू के कबाब है, जो अचारी आलू है, उसमें मसाले जो पड़ेंगे हमारा कुछ सीक्रेट स्पाइसेज होते हैं, ठीक है, लेकिन फ्लेवर जो रहेगा आपका पिकल्ड का रहेगा। फ्राई करेंगे सबसे पहले, और आप बता रहे थे कि आपका जो वेज नॉन वेज का सेक्शन है टोटली अलग होता है। अलग होता है, देखिए सर ये हमारा वेज का सेक्शन है, और अभी वो जो है आपका नॉन वेज का है, वेज फ्राइड आइटम के लिए, और जो तंदूर था उसके बारे में भी बताया था कि वो भी वेज और नॉन वेज का हमारा सेपरेट है, और तंदूर भी अलग है। तंदूर भी अलग है सर, वेजिटेरियन के लिए और नॉन वेजिटेरियन के लिए। और मैं जो हमारा फेमस कबाब है गलौटी कबाब, उसके लिए हम माही तवा यूज करते हैं, उसका भी दोनों का सेपरेट है, वेजिटेरियन का अलग है तवा और नॉन वेजिटेरियन का माही तवा अलग है सर। तो वेज वाले भी निश्चिंत होकर यहाँ खा सकते हैं? जी सर बिल्कुल सर। अभी इसे हम निकाल लेंगे, इसके बाद थोड़ा सा इसे सॉक करेंगे कि सारा ऑयल बाहर आ जाए, और फिर इसके बाद मैरिनेशन में हम इसको करें। इसके बाद वापस से मैरिनेट होगा और फिर तंदूर में, उसके बाद तंदूर में पकेगा। जो कबाब का मैरिनेशन हो रहा है अचारी फ्लेवर का जो मैं बता रहा था, पिकल फ्लेवर आज है। अब इसमें हम मैरिनेशन के पहले उसमें हम थोड़ा सा तड़का करते हैं, जिसका जीरे का तड़का होता है सरसों तेल में पका। इसमें हम मैरिनेशन के मसाले में आलू, फ्राइड आलू को ऐड करके इसे मैरिनेट कर देंगे। इसको कुछ देर के लिए हम रखते हैं कि इसके मसाले जो हैं प्रॉपर इसमें सोक्ड हो जाए, और उसके बाद फिर तंदूर में डालकर सर इसे हम सर्व करने के लिए पिकअप कराते हैं। तो लगभग 1 घंटे तक इसे फ्रीज़र में डाल के फ्रीज किया गया है, और अब जो आप है मसाला जो है वो अच्छे से आलू के ऊपर कोट हो गया है ना? जी जैसा कि मैंने बताया था सर आपको, मैरिनेशन को होल्ड रखने के लिए हमें इसे मैरिनेशन के बाद 1 घंटे के लिए फ्रीज में रखते हैं, और उसके बाद फिर तंदूर में पकाते हैं सर। अब ये जाएगा तंदूर में? तंदूर में जाएगा, जो कि वेजिटेरियन का देखिए तंदूर हमारा। और नेक्स्ट जो ये हमारा तंदूरी आलू था, ये जाने वाला है तंदूर के अंदर। बेसिकली ये क्रिस्पी कॉर्न है, बेसिकली ये इंडियन है नहीं, बट जो इसका मेकिंग प्रोसेस है ना, बिल्कुल हम इंडियन की तरफ से करते हैं सर। तो ये तो मैंडेटरी सर स्टार्टर है किसी भी बुफे में, किसी भी होगा ही होगा। हाँ बेसिकली ये हमारे पास नहीं था, लेकिन गेस्ट का इतना डिमांड था सर कि इसे हमें कॉन्टिनेंटल को इंडियन में लाना पड़ा। तो कॉर्न को हम मैरिनेशन करते हैं, जिसमें रेड चिली पाउडर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, ब्लैक पेपर डालते हैं, और बाइंडिंग के लिए हम कॉर्न फ्लाई यूज करते हैं सर। अच्छा, इसको हम मैरिनेशन करेंगे। करने के लिए वेजिटेरियन प्लेटर है, इसमें हम करेंगे सर सारा कुछ सेपरेट है आपका नॉन वेज। उसके बाद इस पर चाट मसाला डालेंगे। तो लगभग 75% जो मटन था वो प्रिपेयर हो गया है, और अब मसाला डालना है। मसाले ऐड कर रहे हैं, सबसे पहले सर हम इसमें सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करेंगे, ठीक है, हल्दी पाउडर जाएगा, इसके बाद रेड चिली पाउडर, और ये सारा मसाला आप लोग खुद यहीं पे पीसते हैं? जी पीसते हैं सर, बिल्कुल फ्रेश हम लाकर इसे पीसते हैं। ये अब जीरा पाउडर हो गया सर, बिल्कुल एकदम मतलब घरेलू स्टाइल में जैसा है उसी तरीके से बन रहा है। ये धनिया का पाउडर ऐड करेंगे, इसके अलावा एक हमारा सेपरेट जो सीक्रेट स्पाइसेज है सर वो भी ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, सीक्रेट स्पाइसेज भी जाता है? स्पाइसी ये तो हर एक घर में यूज होता है ये मसाले, लेकिन उसके अलावा एक अरोमा के लिए हम मसाले स्पेशल बनाए हुए कबाब फैक्ट्री का,
ये जो कि ये लगता है हमको गरम मसाला है, खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका। इसमें और बहुत सारी चीजें हैं सर जो कि बता नहीं सकते, मैं बता नहीं सकता इस चीज को। अब इसको हम भूनेंगे सर। नेक्स्ट अब मटन का भुनाई होगा, मटन का भुनाई होगा मसाले के साथ सर, और फिर हल्का सा पानी डाल के रेडी, हल्का पानी डाल के रेडी कर देंगे सर। तो सारा जो प्रोसेस था मटन को बनाने का वो आपको दिखा दिए, अब हम लोग डायरेक्टली जो है वो बाहर चल के टेबल पर इसे टेस्ट करेंगे। बहुत अच्छा था, खुशबू आ रहा है मटन में से, जो मसाला डाले हैं उसके बाद जो खुशबू है वो और डबल हो गया है। तो बस अब चलते हैं बाहर, थोड़ा सा वेट करते हैं, मटन जब रेडी हो जाता है फिर मटन को ट्राई करेंगे। जो है ये बन रहा है दही भल्ला, सबसे पहले जो भल्ला है उसे डाला गया, ऊपर से ये गया है दही, अब जाएगा ये किस चीज़ की चटनी है, सॉल्ट, सॉल्ट की चटनी है, हाँ सौंठ वाली चटनी है जो इमली भी ऐड हुए हैं इसमें, इमली सौंठ वाली मीठी चटनी है सर। ये चाट मसाला ऐड हुआ सर, इसके ऊपर हम थोड़ा सा मिंट चटनी ऐड करेंगे। ये मतलब हर दिन अवेलेबल होता है, हर एक दिन अवेलेबल होगा। लाइव काउंटर में दो चीज़ें होती है सर, ये भी चेंज हम करते रहते हैं, दही भल्ले होते हैं, पापड़ी चाट होते हैं सर, पानी पूरी के पतासे होते हैं दही के साथ, ये हम चेंज करते रहते हैं। तो इधर कुछ लोग मिले हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर भी है और यहाँ बैठ के इंजॉय कर रहे हैं अपने मील को। तो कैसा लग रहा है खाना? खाना यूनिक है, प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा है, और भी जैसे पटना में और जगह भी बफेट है उससे बिल्कुल यूनिक लग रहा है। यहाँ पे दूसरी जगह ट्राई किए हैं तो उससे डिफरेंट है, यूनिक। पहली बार आए हैं या पहले भी यहाँ आ चुके हैं? रेस्टोरेंट में पहली बार, यहाँ पहली बार है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? खाना अच्छा है, सही है। और वीडियोज़ कैसा लगता है हम लोग का? आपका वीडियो तो एक नंबर लगता है वीडियो। हाँ आप ये लोग देखते हैं कि सिर्फ आप ही देखते हैं वीडियो? ना हम लोग सब सब देखते हैं, सब लोग देखते हैं। आप लोग आए तो स्टार्टिंग में देख के पहचान गए, पहले ही आपको देखे हैं तो मुझे लगा कि शायद आप ही हैं, मतलब यही है, मैं तो कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि अभी तक हम लोग एक मीडिया पर्सनालिटी के देख रहे थे, आज पर्सनली देखे हैं आपने सामने से। हां हां, खाना कैसा लगा यहां का? नहीं खाना काफी अच्छा है, मतलब टेस्ट काफी अच्छा है क्योंकि हम लोग ABS पे अगर भी गए हुए, ठीक है, बफेट सिस्टम खाने के लिए, तो यहाँ का थोड़ा यूनिक लगा टेस्ट मुझे, मतलब वहाँ जगह से कुछ हटके लगा। हाँ, कंपैरेटिव वहाँ आपका दोनों सिमिलर लगता है, जैसे BBQ का भी या ABS का भी, दोनों का कमरे सिमिलर लगता है, लेकिन यहाँ का टेस्ट काफ़ी थोड़ा अलग सा है। सेम मेन्यू भी सेम है, लगभग सारी चीज़ें हैं यहाँ भी जो भी वहाँ पे, लेकिन खाने का टेस्ट सही में डिफरेंट है। एम्बियंस का तो क्या ही कहना है, एम्बियंस का तो क्या ही कहना, सामने व्यू का अपना क्या ही कहना। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए, सॉरी टू डिस्टर्ब, एंजॉय कीजिए अपने फूड। इधर जो स्टार्टर है वो आ चुका है, जिस और प्योर वेज स्टार्टर है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो नॉन वेज स्टार्टर है वो दिखाएंगे, इस वीडियो में प्योर वेज स्टार्टर। तो सबसे पहले इधर देखिए, ये हो गया तंदूरी पाइनएप्पल, किसी भी बुफे में हम लोग जाते हैं तो वेजिटेरियन में ये होता ही होता है तंदूरी पाइनएप्पल, बट नेक्स्ट जो स्टार्टर है ये थोड़ा अनकॉमन सा चीज़ है, ये आपको हर बुफे में मिलेगा नहीं, ये है राजमा की शामी। तो आमतौर पर हम लोग शामी कबाब खाते हैं वो मटन का होता है, बट यहाँ कुछ यूनिक टच दिया गया है, राजमा को यूज़ करके बनाया गया है इस शामी कबाब को। नेक्स्ट ये हो गया सब्ज़ गलौटी कबाब, साथ में मिलता है उल्टे तवे का पराठा। बेसिक सा स्टार्टर है पनीर चिली, इधर जो है ये हो गया कॉर्न, और नेक्स्ट ये हो गया तंदूरी आलू, इसका भी जो मेकिंग वेकिंग था वो आप लोगों को दिखाया। और ये जो सारा स्टार्टर आप देख रहे हैं, मेन कोर्स, डेजर्ट, मतलब जो कुछ भी इस ब्लॉग में देख रहे हैं सब कुछ अनलिमिटेड है, जितना मन आप उतना खा सकते हैं। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं तंदूरी आलू को, सारा जो प्रिपरेशन है इसका दिखाए थे, आलू को सबसे पहले बॉयल किया गया था, फिर फ्राई किया गया था, फिर मैरिनेट करके तंदूर में डाला गया था। वाह, सबसे पहला चीज़ कि ये बहुत चटपटा नहीं लगेगा, हल्का सा मिठास है आलू में, आलू जो है इसमें हल्का सा मिठास है, मसाला बैलेंस हुआ है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी सा नहीं जी, और जीरा का भी जो स्वाद है वो बहुत अच्छा आ रहा है, अल्टीमेट सा चीज़ लगा ये। दो तीन और आलू जो है अभी हम वो खाने वाले हैं। नेक्स्ट ट्राई करते हैं ये राजमा की शामी, या जहाँ तक हमको लगता है कि राजमा को बॉयल करके फिर आप लोग उसको मिंस्ड करते होंगे। राजमा को बॉयल करके मिंस्ड करते हैं, उसके बाद जो स्पाइसेज यूज करते हैं उसे फिर हम सैलो फ्राइड करते हैं। ये हल्का सा चटपटा लगा, चटपटा मतलब बहुत यूनिक यूनिक चीज़ हम लोग आज खा रहे हैं, पहली बार इस तरह का खाए हैं, और कहीं से भी लग नहीं रहा है कि नॉनवेज को उससे थोड़ा सा भी ये कम है, पूरा टक्कर दे रहा है नॉनवेज को, मज़ा आ गया खा के। आए थे यहाँ नॉनवेज और स्टार्टर खाना, बट वेज खा के भी दिल खुश हो गया, बहुत ही अच्छा,
हल्का सा बिल्कुल माइल्ड सा आपको राजमा का टेस्ट आएगा और मेनली जो है वो मसालों का स्वाद आने वाला है। नेक्स्ट ट्राई किया जाए गलौटी कबाब, थोड़ा चटनी में डिप करके अब ट्राई करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मसाला आपको नहीं मिलने वाला है, मसाला थोड़ा लाइट सा है, घी का अच्छा स्वाद आएगा, घी में ही इसे आप लोग सेकते हैं तो घी का अच्छा स्वाद आएगा। बाकी परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये उल्टे तवे का पराठा और गलौटी कबाब, बट इन तीनों में अगर बेस्ट की बात करें, हम नंबर वन पे रखेंगे तंदूरी आलू, नंबर टू पे रखेंगे ये राजमा का शामी कबाब जो है राजमा का जिसको बनाया गया है, और थर्ड पे रखेंगे हम गलौटी कबाब को। तो वेज स्टार्टर जो था वो तो हम लोग खा लिए, खा के मज़ा आ चुका है। अब जो है हम लोग मेन कोर्स की ओर आते हैं और जो मेन कोर्स है वो आपको दिखाते हैं। तो प्रभाकर जी एक एक करके जरा हम लोग मेन कोर्स देखें। देखिए सर, ये हमारा राइस प्रिपरेशन है वेजिटेरियन में, आज का है जीरा राइस। अच्छा, ठीक है, इसको हम डेली चेंज करते रहते हैं। यहाँ पर सब्जी दम बिरयानी भी होता है, पुलाव भी होता है, और ये राइस का प्रिपरेशन जीरा राइस रहता है। अच्छा अच्छा। और अगर किसी गेस्ट को प्लेन स्टीम राइस चाहिए वो ऑन डिमांड हम उसको भी सर्व करते हैं। अच्छा, अगर किसी को स्टीम राइस है तो बोलेंगे तो आप लोग करवा दीजिए, वो करवा देते हैं सर। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिंपल खाना होता है, खाना होता है तो वो चीज़ राइस खाएंगे, दाल खाएंगे, बेसिक खाएंगे, तो उनके लिए भी व्यवस्था है जी। अब ये देखिए दो टाइप्स ऑफ दाल है हमारा, टू टाइप्स ऑफ दाल है, जो दाल फैक्ट्री और दाल तड़का। अगर दाल तड़का के बारे में बात करूँ तो ये तो येलो दाल टेम्पर्ड विद आपका ग्रीन चिली गार्लिक हो गया, क्यूमिन सीड्स हो गया, और ये दाल फैक्ट्री है, इट्स सिमिलर टू दाल मखनी बट रिचर देन दाल मखनी से। अच्छा, वो तो देख के ही लग रहा है, वो तो देख के ही लग रहा है। ये भी हमारा कबाब फैक्ट्री का स्पेशल डिश है, दाल फैक्ट्री से। अच्छा, ये काली दाल होती है, ये ब्लैक दाल, हाँ, जो दाल मखनी लोग बोलते हैं वही है, सेम है, लेकिन इसका प्रोसेस जो बनाने का थोड़ा सा अलग है सर, वो उससे ज्यादा ज्यादा रिच होती है। अच्छा, दाल अच्छा। मखनी नॉर्मल दाल मखनी से। देन हमारे एक वेजिटेबल, हाँ वेजिटेबल, वन वेजिटेबल होता है, ये हमारा डेली चेंज होते रहता है सर। आज मिक्स वेजिटेबल होता है तो कल कुछ और हो जाएगा, और जब ये मेन्यू बनाते हैं आज रात को हम जाने से पहले मेन्यू फिक्स करते हैं कल के लिए, ये वेरिएशन होते रहता है इसमें। ये मिक्स वेजिटेबल, अब मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो होगा वो पनीर का डिश, पनीर का डिश होगा जो कि ये भी हम चेंज करते रहते हैं। आज ये पनीर बटर मसाला है, ये जो है ये नेक्स्ट हो गया पनीर बटर मसाला। तो जो वेज का है, एक पनीर डिश हो गया, एक मिक्स वेज हो गया, राइस हो गया, और दाल हो गई सर। और इसके बाद जो है नेक्स्ट है फिर डेजर्ट, डेजर्ट्स है। डेजर्ट में क्या क्या है? डेजर्ट्स में बेसिकली हमारे इंडियन डेजर्ट्स ही हैं, मैं दिखा देता हूँ आज का जो डेजर्ट्स है सर। गुलाब जामुन है, मूंग दाल हलवा है, साबुदाना की खीर है, मामा की बर्फी है, और चॉइस ऑफ आइसक्रीम है, जो आइसक्रीम का हम 6 वेरिएशन रखते हैं डेली। अच्छा, 6 फ्लेवर्ड होते हैं आइसक्रीम। जामुन हमारा है, ठीक है, मूंग दाल हलवा, चलिए ये भी हमारा चेंज होते रहता है सर। अच्छा, मूंग दाल हलवा, गुलाब जामुन तो फिक्स है मेरा, बट मूंग दाल हलवा की जगह पर हम चेंज करते हैं, इसमें वेरिएशन आता है। इस वीक में ये वाला डेजर्ट चलेगा। अब ये साबुदाना का खीर है, यहाँ पर साबुदाना की खीर है सर, इसको भी चेंज होते रहता है, सेविया भी होता है, फिरनी भी होता है सर। अच्छा, नेक्स्ट ये, ये एक ड्राई आइटम होता है, ये मावा की बर्फी है, मावा की बर्फी, ये भी चेंज होते रहता है वीक और में। इसके बाद फिर हो गया आपका आइसक्रीम, ये हो गया आपका आइसक्रीम काउंटर। हाँ, इसमें भी फ्लेवर हमारा चेंज होते रहता है। आज का जो मेरे पास है बटर स्कॉच है, वेनिला है, मैंगो का है, टूटी फ्रूटी है, चॉकलेट है, और स्ट्रॉबेरी है। इसमें भी और दो चार और आइटम आते रहते हैं जो हम चेंज करते रहते हैं सर, जैसे केसर पिस्ता हो गया, राजभोग हो गया, वो सब भी आते रहते हैं। स्टार्टर तो हम लोग खाए हैं प्योर वेज, लेकिन पता है आपको कि बहुत ज़्यादा वेज बर्दाश्त नहीं होता है हमसे, तो मेन कोर्स में खाएंगे नॉन वेज, और जो अगला वीडियो आएगा वो भी टोटली डेडिकेटेड होगा नॉन वेज फूड पे ही, उसमें स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स सब कुछ नॉन वेज खाने वाले हैं। तो आ जाते हैं हम लोग सीधे अपने नॉन वेज वाले मेन कोर्स पे, और आपको हम अपने पुराने बुफे के वीडियोज़ में बताएँ स्ट्रैटेजी कि स्टार्टर पर फोकस करना होता है, मेन कोर्स लाइट रखना होता है, बहुत हैवी नहीं। तो इसलिए ये लिए हैं मटन, साथ में इधर लिए हैं ये बाकर खानी है, और बाकर खानी का कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है ये टमाटर और धनिया का शोरबा, तो बहुत यूनिक सा चीज़ है ये। खाते हैं बाकर खानी को सबसे पहले शोरबा के साथ। एकदम स्ट्रॉन्ग सा टैंगी सा फ्लेवर है इस शोरबा में, टमाटर डोमिनेट कर रहा है, और बाकर खानी जो है ये थोड़ा प्लेन सा है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको फ्लेवर नहीं मिलेगा। मेन फ्लेवर जो है वो मिलेगा जो इसके ऊपर डाला गया है, ये मंगरैला, अजवाइन और मंगरैल जो है वो डाला गया है, उसका फ्लेवर है,
प्लस अंदर में जो है ये जीरा का जो थोड़ा सा स्वाद है वो आ रहा है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन एक है। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा है, स्ट्रॉन्ग मतलब टैंगी सा फ्लेवर एक इसका है, और इसका जो है थोड़ा प्लेन सा फ्लेवर है। देख के तो हमको वियर्ड लग रहा था, बट बहुत सही कॉम्बिनेशन बैठा है। अब ट्राई करते हैं बाकर खाने के साथ इस मटन को। मटन का जो सारा प्रिपरेशन आपको दिखाए हैं, मटन भुना मसाला, इधर आ जाइए। ये मटन को तोड़ा जाए, आ हा हा, बेहद सॉफ्ट सा मटन। थोड़ा सा ये ग्रेवी लगाया जाए, अब ये लटपट सा मटन और बाकर खानी। मटन भी बेहद स्वादिष्ट, एकदम घर के स्टाइल का प्रिपरेशन, और बिल्कुल अच्छे क्वालिटी का है, क्योंकि बहुत आसानी से टूट रहा है, बहुत आसानी से अलग हो रहा है। हल्का सा इलायची का फ्लेवर जो है वो आया, क्योंकि लगता है डायरेक्ट इलायची हम लोग खा लिए थे, तो गरम मसाला भी, खड़ा गरम मसाला जो है वो यूज़ किया गया है। बाकी मसाला कोई बहुत हैवी नहीं है, बैलेंस सा मसाला है। बिल्कुल घर वाला जो स्वाद है वो स्वाद आ रहा है, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा सही सा एक्सपीरियंस रहा। बहुत नया नया हम लोग चीज़ खाएं, नया नया स्टार्टर खाएं वेज का। तो अगर आप अभी वेजिटेरियन बन चुके हैं टेम्प्रोरी छठ तक के लिए, या आप लाइफ टाइम के लिए वेजिटेरियन हैं, दोनों ही केस में यहाँ आइए और जो वेज बुफे है वो खा के जाइए। स्टार्टर खा के दिल खुश हो जाएगा। मेन कोर्स जो है वो भी देख के बहुत टेम्पटिंग से लग रहा था, बट हम लोग, पता है आपको, इंक्लिनेशन जो है नॉनवेज की तरफ ज़्यादा है, इसलिए नॉनवेज मेन कोर्स लिए। बट एक और वीडियो आएगा टोटली नॉनवेज पर डेडिकेटेड, वो छठ के बाद आएगा, उसमें प्रॉपर जो मेन यहाँ का जो स्टार्टर है नॉनवेज वाला वो दिखाएंगे, मेन कोर्स जो है नॉनवेज वाला वो दिखाएंगे। अभी इसको ख़त्म करते हैं, फिर थोड़ा सा डेजर्ट दिखाते हैं, फिर वीडियो करते हैं द एंड। तो अभी स्थिति ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्टार्टर खा चुके हैं, बहुत ज़्यादा मेन कोर्स खा चुके हैं, ओवरलोड बिल्कुल हो चुके हैं, बट ये जो प्रथा है डेजर्ट खाने का, ये तो पूरा करना ही है। तो इधर जो है आ चुका है हमारा बेहद खूबसूरत सा डेजर्ट, और प्रेजेंटेशन कुकर में एक बिल्कुल क्यूट सा लगता हुआ ये मूंग दाल का हलवा दिया गया है, और नेक्स्ट इधर हो गया गर्मा गर्म गुलाब जामुन। मनुष्य जाति कितना भी खाना खा ले, फिर भी एक कॉम्पार्टमेंट होता है पेट में जो डेजर्ट के लिए हमेशा खाली होता है। कितना भी पेट भरा हो, ये जो गुलाब जामुन जब मिलेगा तो भूख अपने आप बढ़ जाएगा। मज़ा आ गया इस गुलाब जामुन को खा के। अब आते हैं मूंग दाल के हलवा पे। ये जो ठीक ठाक सा है, गुलाब जामुन के कंपैरिजन में ये ठीक ठाक सा है। बहुत ज़्यादा खा चुके हैं, अब दिल नहीं हो रहा है कि अब इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाए, तो इस स्पून को लैंड कराते हैं इस बाउल के ऊपर, और ख़ुद को लैंड कराते हैं हम इस सोफ़े के ऊपर, और ख़त्म करते हैं इसी के साथ वीडियो को। कमेंट कीजिए, बताइए कि वीडियो कैसा लगा। एक पार्ट और आएगा जो कि छठ के बाद आएगा, और वो आएगा धमाकेदार और टोटली नॉनवेज का। ख़त्म करते हैं वीडियो, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा, अगर आप आके यहाँ खाएं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच।